नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पटेल और हम लोगों ने एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है टेलीग्राम चैनल पर, और जिस समय NCERT साइंस के प्रश्नों का सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं और फिर उसका व्याख्या करते हैं। तो कक्षा 6 NCERT से 25 क्वेश्चनों की व्याख्या हो चुकी है, बाकी के 25 प्रश्नों की व्याख्या हम लोग आज करेंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम समुद्र के पास बड़े बड़े उथले गड्ढे बनाते हैं, ठीक है, और उसमें समुद्र का जल इकट्ठा करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह जल वाष्पित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है वाष्पन क्रिया के द्वारा, और उस गड्ढे में नमक हमें प्राप्त होता है, उस गड्ढे से हमें हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की क्रिया का नाम है वाष्पन। संघनन क्या होता है? जब वाष्प दरों में परिवर्तित होता है, ये क्रिया संघनन कहलाती है। जब बर्फ दरों में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है कि ठोस दरों में परिवर्तित ना होकर सीधे किस में परिवर्तित होता है? गैस में। जब कोई भी ठोस दरों में परिवर्तित ना हो और ऊष्मा पाने के बाद सीधे सीधे किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ इस क्रिया में भाग लेने वाले अन्य जो NCERT कक्षा 6 में दिए गए हैं उस विधियों को देख लेते हैं। जैसे जब हमारे खेत में धान पक के तैयार हो जाता है उसको काटने की क्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको हम खलिहान में लाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने की क्रिया को हम कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। पिटाई करने की क्रिया थ्रेसिंग कहते हैं, जिसमें कि अन्न डंडियों से अलग हो जाते हैं। अब पिटाई करने के बाद उस अन्न में भूसा भी है, उसको अलग करने के लिए हम निष्पावन की क्रिया करते हैं, जिसे अन्न को ओसाने की बात कही जाती है, ठीक है, निष्पावन की क्रिया करते हैं। अब इसके बाद भी अगर उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, मतलब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं जो भी अन्न के साथ मिल गए हैं, उसके लिए हम बड़े बड़े झरने से चालते हैं, इस क्रिया को चालन कहते हैं। अगर इसके बाद भी अशुद्धियां रह जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं कि हम हाथ से एक एक को पकड़ के अलग कर देते हैं, इस क्रिया को हस्त चयन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं जिसमें ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का पौधा है? यदि हम पौधे की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं कुल मिला के तीन प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता शाक, दूसरी होती झाड़ी, तीसरी होती वृक्ष, ठीक है। तीन प्रकार के पौधे होते हैं। पहला प्रकार में वो आते हैं जिनका तना मुलायम होता है और हरा होता है। वैसे पौधे जो छोटे होते हैं, तना मुलायम होता है और हरा होता है, वो होते हैं शाक। दूसरे जो बहुत बड़े नहीं होते, मीडियम आकार के होते हैं, जिनका तना पतला तो होता है, ठीक है, लेकिन कठोर होता है, ठीक है, इनका तना कठोर होता है और हरा नहीं होता। जिनका तना कठोर और हरा ना हो, छोटे हों पौधे, ठीक है, और उनकी जो टहनियाँ हैं वो एकदम तने के निचले भाग में, मतलब जड़ के पास टहनियाँ अगर निकली हैं तो वो होती हैं झाड़ी। जैसे गुड़हल का पेड़ हो गया, नींबू का पेड़, नींबू हो गया, ये गुड़हल और नींबू के पौधे क्या हैं? झाड़ी हैं। और वृक्ष में क्या आते हैं? वैसे पौधे जिनका तना मोटा हो, ठीक है, कठोर हो, और उनमें जो टहनियाँ हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकले हों, जैसे आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, ठीक है, शीशम का वृक्ष। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें जिनका स्टेम मोटा है, जिनका तना मोटा है और टहनियाँ ऊपरी भाग से निकले हैं, और ये हो जाते हैं वृक्ष। ये दो चीज़ें और होती है, एक होती आरोही लता, एक होती विसर्पी लता। आरोही लता उसे कहते हैं कि जिनको यदि सहारा मिल जाए तो ये ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं। आरोही ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट हम लोग अपने घर में लगाते हैं, ये दिन को आधार मिल जाता है कि ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या करते हैं? ये दिन को मिलता भी है कोई चीज़ चढ़ने के लिए तो ये ऊपर नहीं चढ़ते, ये जमीन के साथ विसर्पी करते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ठीक है, दूब, ये सब क्या है? आरोही लता में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? वो होता है हमारा पर्णवेंद। ये मान लेते तना है, ठीक है, ये है तना है, ये कोई है पत्ती।
पत्ती का यह वाला भाग जो तने से जुड़ा है इसे कहा जाता है पर्णवृंत, और पत्ती के बीचों बीच जो एक रेखा होती है मोटी सी, ये आपका होती है मध्य शिरा, ठीक है। और इसमें जो अन्य शिराएं होती है, पत्ती में दो प्रकार की अलग और शिराएं होती हैं, या तो समांतर शिरा विन्यास, दो प्रकार के शिरा विन्यास पाया जाता है, एक या तो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, या तो पाया जाता है जालिका स्वरूप। जालिका स्वरूप में क्या होता है, इसी में ऐसे ऐसे जाली बनाते हैं, जैसे आपके पीपल की सड़ी पत्ती आप देखेंगे उसमें जालिका स्वरूप शिरा विन्यास पाया जाता है। तो अगर हम पत्ती को देखें, पत्ती के कितने भाग हो गए, एक हो गया पर्णवृंत, दूसरा हो गया मध्य शिरा, एक हो गया फिर शिरा विन्यास और फलक। शिरा विन्यास के आधार पर हम जड़ के बारे में भी पता लगाते हैं, अगले प्रश्नों में हम उसको देखेंगे। तो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है वह हमारा पर्णवृंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग करते हैं सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में पौधे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत पौधे किन किन चीजों का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत पौधे जो होते हैं वो दो चीजें, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे जो करते हैं, यह ऑक्सीजन हमें मिलता है किससे, जल से, H2O से। कि जिनको फार्मूला पता है उनको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 और जल का होता है H2O। इस CO2 में O2 को देखकर ये लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि ऑक्सीजन जो O2 है जिसका फार्मूला वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त है, जबकि ये गलत है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन बनता है वो हमें प्राप्त होता है जल से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं, धान तथा गन्ने में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। हमने पहले बताया था पत्तियों का शिरा विन्यास, ठीक है, पत्तियों का शिरा विन्यास एक बार और समझते हैं। पत्तियों में होता है जो दो प्रकार का शिरा विन्यास होता है, ठीक है। एक होता है समांतर शिरा विन्यास, जो कि धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती या गन्ने की पत्ती या सरपत की पत्ती में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मध्य शिरा होती है, उसी के साथ क्या होते हैं समांतर और शिराएं पाई जाती हैं, ठीक है, समांतर और शिराएं पाई जाती हैं। दूसरी पत्ती क्या होती है, एक प्रकार की और पत्ती होती है जिसमें एक मध्य शिरा होता है, ठीक है, एक मध्य शिरा होता है और उसके बगल में क्या होती है जालिका स्वरूप शिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका स्वरूप शिरा विन्यास पाया जाता है उसमें पाया जाता है मूसला जड़, ठीक है। जिनमें जालिका स्वरूप शिरा विन्यास जिन पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में, उसमें पाया जाता है मूसला जड़, ठीक है। और जिन पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उसमें पाया जाता है झखड़ा जड़। जड़ दो प्रकार के, मूसला और झखड़ा। तो वैसे पत्तियां हम पौधे की पत्तियां देखेंगे, ये उसमें समांतर फिरा विन्यास पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं उसमें झकड़ा जड़ पाया जा रहा है या रेफेदार जड़ पाया जाता है। और जिसमें जालिका स्वरूप शिरा विन्यास पाया जाएगा उसमें मूसला जड़ पाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों का खाने योग्य भाग जड़ है। तो गाजर, मूली, शकरकंद, मतलब जिसे गंजी कहते हैं, शलजम और टेपियोका, ये सबके सब जो पौधे हैं इनका खाने योग्य भाग क्या है, जड़ है। अगला प्रश्न है, पुष्प केंद्र में स्थित स्त्री केसर कितने भाग से मिलकर बना होता है। पुष्प केंद्र में, पुष्प के मध्य भाग में दो जननांग होते हैं, एक होता मेल एक होता है फीमेल। मेल का जो होता है उसको कहा देते हैं पुंकेसर, ठीक है, मेल में पुंकेसर होता है, एक जिसमें एक होता है तंतु, लंबा वाला तंतु, और इस पे लगा होता है इस पे तंतु होता है और इस पे प्राग कोष लगे होते हैं, ठीक है, इसमें पराग भरे होते हैं। और दूसरा प्रकार का होता है जो स्त्री केसर होता है, उसमें सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, ठीक है, सबसे ऊपर होता है आपका वर्तिकाग्र और इससे जुड़ा होता है वर्तिका, जो ट्यूब लाइक संरचना होती है, एकदम नीचे की ओर पाया जाता है अंडाशय। तो स्त्री केसर में तीन भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं धुराग्र संधि,
ठीक है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम है धुराग्र संधि। कंदुक खलिका संधि जो होती है ये पाई जाती है हमारे कंधों और कूल्हों पर। ठीक है, कंदुक खलिका संधि टोटल 360 डिग्री में घूमती है। हमारा कंधा 360 डिग्री घूमता है और हमारा कूल्हे से जो हमारा पैर होता है वो भी 360 डिग्री घूमता है घूमता है। ठीक है, 360 डिग्री घूमता है। हिंज संधि हमारे कहाँ पाई जाती है, कोहनी और घुटने में हिंज संधि या कब्जा संधि पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है। मानव शरीर का मेरुदंड जो होता है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। ये 33 कशेरुकाएं बचपन में पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इसमें से कुछ कशेरुकाएं फ्यूज कर जाती हैं और वयस्क अवस्था में कुल 26 कशेरुकाएं हमारे अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर पॉलिटी और इकोनॉमी भी पढ़ाई जा रही है। पॉलिटी को एकदम कंप्लीट कर दिया गया है जिसमें आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी गई है। यह पॉलिटी विषय जो है मेंस परीक्षा और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है कि आप मेंस में कैसे शब्दों को लिखें, किन शब्दों का चयन करें कि आपको अच्छे नंबर मिले, इसके बारे में भी बताया गया है। और इकोनॉमी अभी जल्द शुरू की गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। अगला प्रश्न हमारा है कि तिलचट्टे में कितनी जोड़ी पैर होते हैं। तो तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर होते हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं और उसमें सांस लेने के लिए श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं। तो तिलचट्टे में सांस लेने के श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है, जल में तैरते समय यदि उनका अग्रभाग दाहिनी तरफ मुड़ता है तो उनकी पूंछ किस तरफ मुड़ेगी। अगर उनका अग्रभाग दाहिनी तरफ मुड़ रहा है तो उनकी पूंछ जो होगी वो बाईं तरफ मुड़ेगी। इससे क्या होगा, उनके शरीर को एक धक्का लगेगा, वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि पक्षियों की हड्डियां किस प्रकार की होती हैं। पक्षियों की हड्डियां जो होती है इसमें वायु भर के समय खोखली होती हैं, इसमें वायु भरा होता है, मतलब ये हल्की होती हैं लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। तो पक्षियों की हड्डियां क्या होती हैं, उसमें वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें वायु भरी होती है, जिसकी वजह से हल्की होती हैं लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब ये होता है कि ऐसे घटक जो कि पौधे या जंतुओं से प्राप्त हों। ठीक है, जो जो हमारा पारितंत्र है उसमें जैविक घटक का मतलब होता है जो ऐसे सभी घटक जो पौधे या जंतुओं से प्राप्त हों। तो पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव मतलब जिसमें जान है वो क्या है, जैविक घटक है। और मृत घटक में आपका जो चट्टान वायु जल ये सब क्या है, ये अजैविक घटक है। अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो पौधे ही नहीं कि हर कोई, मतलब पौधे हो या जंतु हो, हर कोई सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है, ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए वो भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो आप सोचेंगे कि जब पौधे भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो इतना ऑक्सीजन आता कैसे है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं कि वे अपने सांस लेने के लिए उसका प्रयोग करते भी हैं और बची ऑक्सीजन हमारे लिए भी प्रयोग में आ जाती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का अंतर, ये बिल्कुल सही है। देखो वाहनों में 2 प्रकार के मीटर होते हैं, एक ये होता है जो हमारी स्पीड बताती है कि हम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, दूसरा ये बताता है कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं। वह मीटर जो ये बताता है कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं वो हमारा होता है ओडोमीटर, वह हमारा होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनकी आवृत्त मापने के लिए, फ्रिक्वेंसी मापने के लिए ओंडोमीटर, केवल इसमें आधा नाम लग गया, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अगला हमारा ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापनी है, कोई कितना तेज बोल रहा है इसके लिए हम क्या लेते हैं, ऑडियोमीटर। ए मीटर का काम होता है विद्युत धारा मापने में, ठीक है, विद्युत धारा ना कि विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत धारा मतलब किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, इसे मापने के लिए हम ए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यही कथन क्या है, गलत है।
अगला प्रश्न हमारा है कि तबला, गिटार और घंटी को बजाने में किस गति का प्रयोग किया जाता है। तो तबला, गिटार और घंटी को बजाने में हम प्रयोग करते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति वह गति होती है जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पद को दोहराती है, ठीक है। तो तबला, गिटार और घंटी बजाने में आवर्ती गति का प्रयोग करते हैं। सरल रेखीय गति, जैसे यदि कोई गाड़ी अपने लेन में चल रही है तो किस में भी सरल रेखीय पथ पे चल रही है। जो हमारे सैनिक होते हैं यदि अपने कदम ताल कर रहे हैं तो वो सरल रेखीय पथ पे करते हैं। तो यदि कोई भी वाहन या व्यक्ति या कोई भी जानवर सीधी रेखा में चल रहा है तो सरल रेखीय गति हो गया। लेकिन यदि वह वृत्तीय पथ पे चल रहा है, ठीक है, जैसे यदि अपने हाथ में हम क्या ले लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, उसके सिरे पे पत्थर बांध देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो पत्थर क्या होगा, वो वृत्तीय पथ पे चल रहा है। बात सुनिएगा, पत्थर क्या कर रहा है, वो वृत्तीय पथ पे चल रहा है, लेकिन अगर पत्थर के साथ रस्सी को भी जोड़ दें तो रस्सी सहित ये पत्थर क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। जब हम केवल पत्थर की बात करेंगे, बीच के जो मास है इसको हटा देंगे, तो ये पत्थर, केवल पत्थर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी हमेशा समान है। जब केंद्र से दूरी समान है तो वृत्तीय पथ पे चला। लेकिन पत्थर और रस्सी दोनों की अगर बात करेंगे तो घूर्णन गति हो जाएगी, ठीक है। तो पत्थर और रस्सी दोनों मिलकर घूर्णन गति कर रहे हैं, लेकिन केवल पत्थर की बात अगर करें तो पत्थर वृत्तीय पथ पे चला। और आवर्ती गति आपका हो गया, यदि उसी रस्सी और पत्थर को यदि अपने हाथ में लटका के ऐसे दोलन कराए तो क्या हो जाता हमारा, आवर्ती गति। अगला प्रश्न है हमारा है कि निम्न में से किस वस्तु से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाएगी। भाई पारदर्शी वस्तु होगी अगर तो उससे प्रकाश आर पार निकल जाएगी, अगर अपारदर्शी होगा तो इससे नहीं निकलेगी और हमारे वो छाया बनाएगी, ठीक है। अगर अपारदर्शी होगी उससे नहीं निकलेगी, छाया बनाएगी, अगर पारभासी है तो थोड़ा बहुत निकलेगी और थोड़ा बहुत नहीं निकलेगी। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, जहाँ ना तो वायु होती है, मतलब कोई माध्यम जहाँ ना हो वहाँ पे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक हमेशा किस दिशा में आकर रुकते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा आके रुकता है। इसी का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, दिक् सूचक का नामक यंत्र बनाया गया, ठीक है। यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताएगा, बाकी पूर्व पश्चिम में अपने आप जान लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है, ठीक है। तो इसमें लोहा, निकल, कोबाल्ट, तीन पदार्थ ऐसे हैं, अगर इनको चुंबक के पास लेके आते हैं तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यदि रबड़ की बात करें तो रबड़ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, तो ये चुंबकीय नहीं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया करने पर चुंबक अपने गुण को खो देता है। भाई चुंबक को अगर हथौड़े से पीट देंगे तो भी अपना गुण खो देगा। ऊंचाई से गिरने पर क्या होगा, तो भी अपना गुण खो देता है, खो देगा। अगर चुंबक को गर्म करेंगे तो भी अपना गुण खो देगा। तो इन तीनों क्रिया, अगर पीटेंगे, गिराएंगे या उसको गर्म करेंगे, तो चुंबक चुंबक ना होकर अपने गुण को खो देगा। अगला प्रश्न क्या है, जल चक्र में किस माध्यम से जल पुनः वायुमंडल में जाता है, ठीक। तो जल चक्र में दो तरीके से जल वायुमंडल में जाता है। पहली क्रिया वाष्पन, दुनिया जानती कि वाष्पन के द्वारा जल वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी जल वायुमंडल में जाता है और भारी मात्रा में जाता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में, 1 किलोग्राम गेहूं पैदा करने में जो गेहूं के पौधे होते हैं वो 500 लीटर जल का प्रयोग करते हैं। 500 लीटर जल को जमीन से सोखते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 किलो गेहूं पैदा करने में 500 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो वायुमंडल में जो जल जाता है वाष्पन के थ्रू जाता ही है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी भारी मात्रा में जल वायुमंडल में छोड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि वायु में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 0.04%, 0.04% भी आपको मिल जाएगा। तो यदि 0.03% आपसे नहीं है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ये जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रही है वायुमंडल में, इसकी वजह से इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ी है। और 0.93% आर्गन पाया जाता है,
और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, नाइट्रोजन पाया जाता है 78% हमारे नाइट्रो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो बाकी के 25 प्रश्न थे वो भी आज हल हो गए। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जितने प्रश्न थे, जितने पर बन सकते थे, उसको हमने आपको टेस्ट दिया, आपने टेस्ट किया, हमने उसका सोल्यूशन करा दिया। और इस सोल्यूशन को मैंने थोड़ा डिटेल किया, जिसमें थोड़ा समय भी लगा आपका, लेकिन कोशिश ये थी कि आप सभी चीज़ों को भली भांति समझ सकें। यदि प्रश्न घुमा के आता है तो आप उसको भी हल करने में सक्षम हो। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे जो नोटिफिकेशन है आपको बराबर मिलती रहे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगला वीडियो हम इसी के जस्ट बाद अगले दिन या अगले के अगले दिन हम अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप बराबर टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।